back to my channel. Title को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का video किस topic के ऊपर है. तो आज का जो video है is all about hair related thing, hair and skin related thing. So yeah, without further ado, let's just get started with the video. So this video isn't sponsored by HealthWit. तो मेरे पास बहुत सारे questions आते हैं related to hair fall. क्यों लोगों को बहुत ज़्यादा hair fall होता है, क्यों OD करवाया है तब भी hair fall हो रहा है, then smoothing करवाया है तब भी hair fall. Smoothing में तो literally hair fall होता ही होता है, but QOD में hair fall मेरे को तो नहीं हुआ. लेकिन फिर भी मेरे पास questions आते हैं कि उन लोगों को QOD के बाद hair fall होता है और वो ये process भी कर रहे हैं, वो वाला process भी कर रहे हैं, but तब भी उनको उनका जो hair fall है वो रुक ही नहीं रहा है, उनका hair related जो problems है वो control ही नहीं हो रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा problem यहाँ scalp पे treat करें तभी आपका जो hair fall है वो stop हो, because so many times it happened कि आपको internal problems भी हो सकते हैं. Like आपको अगर thyroid होगा या आपको PCOS होगा या आपके अंदर protein की कमी होगी, biotin की कमी होगी, तो उसकी वजह से भी आपके hair fall होते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको hair fall सिर्फ external reasons की वजह से भी हो, आपको internal reasons की वजह से भी hair fall हो सकता है. तो वो आपको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या deficiency है, किस reason की वजह से आपको hair fall हो रहा है. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जाकर के बहुत एक्सपेंसिव जो टेस्ट होते हैं वो करवाइए. यू हैव टू गिव हिट एंड ट्रायल मेथड्स. यू नो, मैंने भी बहुत 100 तरह की चीज़ें ट्राई करी हैं तब जाकर के मुझे पता चला है कि मेरा एक्चुअल रीज़न क्यों मेरे को हेयर फॉल होता है, क्यों मेरा स्कैल्प पे डैंड्रफ रहता है. मुझे हर एक का रीज़न बैक एंड रीज़न मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें क्यों हो रही हैं. यू नो, अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं भी पता है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको चेक करवाना पड़ेगा, बट ये बेसिक सी चीज़ है, ये क्यों हो रहा है ये मुझे पता है, इसका रीज़न मुझे डेफिनेटली पता है. तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बायोटीन की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बालों जो हेयर फॉल है वो रुकता ही नहीं है. अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है तो वो या तो प्रोटीन या बायोटीन आपको इनिशियल डेज में लिखते हैं, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है बायोटीन की. तो मैं सिंपल लैंग्वेज बता देती हूँ कि बायोटीन होता क्या है. बायोटीन एक टाइप का सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी का जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये काम बायोटीन करता है. बायोटीन ना ही सिर्फ आपके हेयर के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो बायोटीन की टैबलेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ. तो यू नो, बायोटीन की टैबलेट्स खाने में आपको ऐसा लगता होगा कि टैबलेट्स हैं, हम दवाई खा रहे हैं. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दवाई खाने से जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ऐसा लगता है अरे दवाई है, टैबलेट है, कैसे खाएंगे. तो इस तरह की मार्केट में टॉप गमी हेयर विटामिन अवेलेबल हैं जिनको आप बहुत ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और ये बहुत, मतलब ये आप चाहे प्रेगनेंट हैं, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, चाहे आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप यंगस्टर हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या आप ओल्ड एज हैं, कोई भी इसको ले सकता है. दिस इज टोटली इन अ गमी फॉर्म और इसको लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. आपको इसको लेने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं अभी आपको इसको लेकर के बताती हूँ. सी दिस, वेरी क्यूट ना, अभी क्यूट से गमी फॉर्म में आता है और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल बबल गम, हम खाते थे ना पिंक कलर की बूमर और बबल गम, उस तरह की आती है. और ये बिल्कुल टेस्ट भी वैसे ही करती है. ये जो गमी है ये आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेगी, तो आपको मन करेगा इसको खाने का. तो ये बेसिकली हेयर विटामिन्स है. इसके अंदर बायोटीन है, विटामिन सी है, ई है, ए है एंड जिंक है. तो बेसिकली दिस इज फॉर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर हेयर. लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ें मिली हुई हैं ना, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंट हैं कि आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा करेगा, आपकी स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा. नाउ मार्केट में बहुत सारे जो टैबलेट गमीज हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट किस पे करना है. एक्चुअली अमेजन पे इसके रिव्यूज बहुत अच्छे दिए हुए हैं, मतलब इसके बेस्ट रिव्यूज दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा टॉप पे यही चल रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं इसके. तो आप वो ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव रिव्यूज ही हैं मोस्ट ऑफ द. एंड व्हाई दिस गमी इज बिकॉज इसके अंदर नेचुरल कलर है, 100% वेजिटेरियन है, फैट फ्री है, रियल फ्रूट इसके अंदर लगे हुए हैं, इसके अंदर कुछ भी मिल्क नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिलेटिन नहीं है, सोए नहीं है, नट्स नहीं है. सो दिस इज रियली ग्रेट और इसका प्राइस है 600 रुपीज. ये आपके हेयर, नेल और स्किन को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा. एज ग्रुप बिटवीन 18 to 40, उन लोगों की बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है. इस टॉप गमीज के अंदर 10 से भी ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं.
इन गमीज को आप खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, आप खाना खाने के पहले ले सकते हैं, और इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, आप कभी भी किसी भी टाइम पर भी ले सकते हैं। रिकमेंडेड दो है कि आपको एक दिन में दो लेना है, बट मैंने इसको एक दिन में एक ही लिया है। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है मेरा कभी खाने का मन हुआ है तो ही मैंने दो लिया है, उससे ज़्यादा नहीं। दो से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें प्रॉपरली क्लियरली मैंशनड है कि दो से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है अपना जो इनटेक है वो। आपको अगर आप सोचो कि मैं दो तीन खा लूँ और मेरे बाल जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऑनलाइन अवेलेबल है, ये बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, तो आप प्रॉपरली इसके रिव्यूज़ देखिए एंड देन फिर आप इसको यूज़ करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूँगी, परचेस लिंक इसकी, आप परचेस कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।